कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने नगरी निकाय चुनाव को लेकर 45 वार्डों का किया मंथन। कटनी सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जिन्होंने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कटनी जिले में 45 वार्डों के प्रत्याशी को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी सम्मिलित हुए। और उन्होंने कहा, हम 45 वार्ड जीत कर आएंगे। साथ ही प्रेस वार्ता में भाजपा पर विभिन्न मुद्दों पर आरोप लगाए, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए तथा आगामी नगरीय निकाय चुनाव पर रणनीति बनाई। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट। देखिए, नगरीय निकाय का चुनाव बहुत जल्दी संपन्न होने वाला है, उसके लिए पार्टी की तरफ से यहाँ पे मुझे भेजा गया। कल यहाँ पर जो पार्षद के प्रत्याशी थे, जो पूर्व पार्षद, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी से चर्चा की है। जो महापौर प्रत्याशी है उनसे वार्ड बाई वार्ड सबसे डिस्कशन किया है, सबसे मिलके जानने की कोशिश की है कि कहाँ कौन उपयुक्त रहेगा, फिर आएंगे। बहुत कुछ चर्चाएं हुई है और साथ में ये भी तय हुआ है कि सरकार के द्वारा या वर्तमान में या जो परिषद है, किस तरह से भ्रष्टाचार और किस तरह से बुनियादी सुविधाओं के नाम पे वसूली तो की जा रही है, चाहे जल कर हो, चाहे संपत्ति कर हो, पन्ना पानी दोनों टाइम मुहैया कराया जा रहा है, ना संपत्ति कर के नाम पे वसूली तो हो रही है, तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और ये लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, जो वादा किए थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 45 वार्ड है, 45 वार्डों में क्या पैनल लिस्ट बन चुकी है? बिल्कुल। तो महापौर के लिए आपकी कैसी तैयारी रही? महापौर के लिए भी पैनल बना है, उसमें चर्चा करके और सहमति बनाएंगे। एक अहम सवाल स्वास्थ्य को लेके बताएं। मैं मनोज बाजल।